सारे दर्शक वीरां दा कमेटी वालों बहुत बहुत धन्यवाद है। पहलवानों ने बेनती है कि जल्दी अपनी कुश्ती का फैसला दो, जे अब तक फैसला नहीं देंगे जित हार का तो पटका ढोली नूं दित्ता जाएगा। जो मुंदरी है तो कमेटी के कोल होगी तो पहलवानों का सम्मान कमेटी आपकी मर्जी नाल करेगी तो उन्होंने प्रवान करना पड़ेगा। अपना फैसला जल्दी करो, शाबाश। बाद तो बाद 10 मिनट दिते जाते हैं, रेफरी वीर अपना टाइम लेट कर लैन और मंत्री कमेटी को होगी तो इन्होंने मान सम्मान कमेटी अपनी मर्जी नाल करेगी तो इन्होंने प्रवान करना पड़ेगा, नहीं तो 10 मिनट के बीच इन्होंने जित हार का फैसला देना पड़ेगा। रेफरी अपनी घड़िया के टाइम नोट कर लो, इन्होंने 10 मिनट दिते जाते हैं, 10 मिनटों के बीच अपना जित हार का फैसला देना पड़ेगा। अमरीक सिंह रंधावा जो हर साल ये खत्ते के फसल टाइम सिर वढ़ के खत्ते ग्राउंड का रूप दिता बाल के बहुत वधिया बनाता, उसका कमेटी वालों धन्यवाद किया जाता है। क्योंकि नहीं तो पहला कद किस पैसे छिंझ पानी पैंती सी, कद किस पैसे यह सेवा अमरीक सिंह रंधावा ने लई हुई है कि इस दिन तो बिल्कुल ग्राउंड तुम्हें तैयार मिलेगी, अखाड़ा तैयार मिलेगा, तो इस करके इन्हों का बहुत बहुत धन्यवाद किया जाता कमेटी वालों। पहलवानों को बेनती है कि जल्दी अपने दाव पेच ला के अपने फैसले से जित हार का जोड़ा भी पहलवान जित पाएगा उन्होंने सोने की मुंदरी दिखी जानी है, तो भी सेवा बलविंदर सिंह चीता सामने हनाजर सिंह चीता वालों की गई है। वो हम पहलवानों की मर्जी है कि मुंदरी प्राप्त करनी है कि नहीं करनी, जो मुंदरी प्राप्त करनी फिर जित हार का फैसला करना पड़ेगा, नहीं तो मुंदरी कमेटी को रह जाएगी, पटका ढोली को दे दिता जाना तो ढा सम्मान कमेटी अपनी मर्जी ना करेगी, थानू तो सम्मान नहीं करना पड़ेगा। Thank you.
चलिए भाई आप चलो।